बहुत सारे लोगों ने खास करके टोरन कंपनी और टोरन कंपनी के कुछ दलाल लोग रहेंगे, उन्होंने कोशिश की है कि ये मोर्चा ना हो या ये मोर्चा में कुछ ना कुछ आपत्ति निर्माण करे, ये मोर्चा को कम करने की कोशिश करे, ये सब। कल 1 तारीख का दोपहर 2:30 बजे का जो मोर्चा है, ये मोर्चा जिस तादाद में होने वाला था उससे ज़्यादा तादाद में। हेलो फ्रेंड्स, मैं दारिशेक, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि भिवंडी शहर में कल 1 सितंबर को महाविकास संघर्ष समिति द्वारा टोरन के खिलाफ मोर्चा होने वाला था, जिसकी तरीके से एक खबर ये भी आई थी कि पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। पुलिस परमिशन नहीं देने के बावजूद भी अभी शाम में अर्जेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, जिसके बताया गया कि कल मोर्चा होगा। अब देखना यह है कि कल के मोर्चे में लोगों का किस तरीके से समर्थन रहता है, और यहाँ पर जो कि महाविकास संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है वो रूपेश माथरे और उनके साथ में जो उनके सहयोगी जो लोग हैं भिवंडी शहर के राष्ट्रवादी के अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा हम बताते आपको। देखिए, ऐसा है कि हमने परमिशन के लिए पुलिस में डाला था और हमें आज पता चला कि पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है, लेकिन हमने जो डिक्लेयर किया है 1 सितंबर यानी कल का दिन, जुम्मा का दिन है, 2:30 बजे ट्वेन पावर के विरुद्ध में जो मोर्चा का डिक्लेयर किया है वो मोर्चा रहेगा। जो मीडिया के थ्रू जो माहौल किया खराब किया जा रहा है कि कल का मोर्चा नहीं होगा, परमिशन नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी भिवंडी शहर की आवाम से गुजारिश करता हूं कि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें आज पुलिस परमिशन क्यों नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी की साजिश है, और ये साजिश हमको कामयाब होने नहीं देना है। हमको भले से जेल में भी जाना पड़ेगा, हम जेल में जाने को तैयार हैं। ये मार्ग का संघर्ष समिति ने आपस में बैठ कर फैसला किया है, और किसी को कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मोर्चा इंशाल्लाह निकलेगा और मोर्चा कामयाब होगा, क्योंकि आज आवाम से सरकार डरती है, तो आज कहीं ना कहीं टोरेंट पावर और पुलिस को एक डर है कि इतनी तादाद में आवाम यहाँ पे आने वाली है तो ये लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मोर्चा इंशाल्लाह अच्छे बड़े पैमाने पर निकलेगा, और हम जो हमारी लड़ाई है हक की लड़ाई है जो सरकार के विरोध में है, जो आज पावर बिल का रेट बढ़ा है वो सबको मालूम है कि ये मोर्चा जो है बड़ी तादाद में और बड़े ताकत से होने वाला है। इसके लिए ये मोर्चे को कम करने के लिए बहुत सारे लोगों ने खास करके टोरन कंपनी और टोरन कंपनी के कुछ दलाल लोग रहेंगे, उन्होंने कोशिश की है कि ये मोर्चा ना हो या ये मोर्चा में कुछ ना कुछ आपत्ति निर्माण करे, ये मोर्चा को कम करने की कोशिश करे, ये सब कर रहे हैं। फिर भी मोर्चा बड़ी तादाद में होगा, उसकी संख्या आपको कल के मोर्चा के बाद ही समझ में आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा समर्थन तो हमको हमारे पास जनता की है, सबसे बड़ा समर्थन। दूसरी चीज़ ये है कि ये हर भिवंडी वासियों का मसला है, हमारे पत्रकार भाइयों का भी मसला है। आज आप लोगों की बिल ज़्यादा आ रही है, आज जीएसटी हो रही है, वेजिलेंस का केस हो रहा है, इसमें मेरी महाविकास अघाड़ी की तरफ से हम लोगों की आपसे विनंती है कि पूरा जितना भी कल का मोर्चा है उसको अच्छे से अच्छा कवर करें, आज भी कवर करें, लोगों को तक पहुँचाइए कि मोर्चा कैंसिल होने वाला नहीं है, मोर्चा होगा होगा होगा। दूसरी चीज़, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको अर्जेंट में लेना पड़ा, तो इसके अंदर जो कांग्रेस के हमारे माजी खासदार सुरेश तौरे साहब और माजी आमदार हमारे रशीद भाई, वो लोग आज बॉम्बे गए हुए हैं, जो इंडिया की मीटिंग है अपने ग्रैंड हयात होटल में, तो वहाँ पे वो लोग गए हुए हैं, राहुल जी और शायद सोनिया जी लोगों की मीटिंग लिया अध्यक्ष लोगों की, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग नहीं है, लेकिन हम लोग सब साथ में कर, उंगली उठाने वाले कोई भी उठा सकते हैं, हम सब साथ में, हम सबसे राय मशवरा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और सलाम भाई कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये मेरी बात आप लोगों से वापस से विनती है कि कल के मोर्चा आप लोग कवर करिए, और आज ये पूरा अच्छा कवर करके लोगों को बताइए कि मोर्चा बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। लोगों के दिल में एक डर सी पैदा हो गई है, चोरों के दिल में एक डर सी पैदा हो गई है, तो डर आज वो लोग गलत तरीके से अफवाह फैला के कोशिश कर रहे हैं। यही मेरी आप लोगों से विनती है। शहर के गैबी नगर स्थित अपना नर्सिंग होम में हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक मेगा सर्जरी कैंप का आयोजन किया गया है, और वो भी किफायती पैकेज में। पित्त की थैली का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, हाइड्रोसील का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन, बवासीर का ऑपरेशन, फर्स्ट सिजेरियन, ये सभी ऑपरेशन पैकेज में किया जाएगा। तो अगर आपके किसी परिचित इनमें से किसी भी बीमारी से परेशान हैं, ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, तो आज ही गैबी नगर स्थित अपना हॉस्पिटल नर्सिंग होम में जाकर डॉक्टर से बात कर अपनी तकलीफ से निजात पा सकते हैं। हॉस्पिटल का पता है अपना नर्सिंग होम, गैबी नगर, शांति नगर रोड, वफा कॉम्प्लेक्स के पास, भिवंडी।
एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।